अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह डेली व्लॉग से मैं हूं बाबर अयूब। और आज हम आपको बताते हैं कि आज हम ऑफिस जा रहे थे और रास्ते में इधर जीटी रोड के करीब शाहगुड़ा स्टॉप है एक, यहां पे एक पोल्ट्री बंदा पकड़ा गया है, ठीक है, चोरी करते हुए। आइए पूछते हैं कि क्या हुआ है और इस बंदे को क्यों पकड़ा गया और क्यों बांधा गया है। आइए चलते हैं यहाँ पे, चाचा जी हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ऐसा क्या किया इस बंदे ने कि आपने इसे बांधा हुआ है? मोटर चोरी की जी। अच्छा, मोटर चोरी की है। किस टाइम? ये सर के टाइम। अच्छा, बस अगे ज्यादा है नहीं पता फिर ऐसा है। अच्छा, चाय की थी मुड़ी थी जाना। अच्छा हाँ, ठीक हो गया। चलें जी, चाचू कह रहे हैं इस बंदे ने मोटर चोरी की है, इस वजह से इसको पकड़ा गया है। तो आइए इस बंदे के पास चलते हैं और इससे पूछते हैं कि ये किधर रहता है और क्या नाम है इसके साथ और कौन है या क्या हुआ क्या, इससे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है जी, क्यों आपको पकड़ा गया है? या भाई, मैंने कभी कुछ नहीं किया है। मेरे साथ लड़का आया था, वो मुझे साथ लेके आया। लड़का आपके साथ है, वो लेके आया? वो मुझे साथ लेके आया। अच्छा, कह रहे हैं आपने मोटर चोरी की है। उसने की थी, उसने मुझे खाली दे दी, उसने बोला तुम यहाँ से चलो, मैं यहाँ से जाता हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ से आ रहा था, वो उस साइड पे चला गया। तो मैं, आप किधर रहते हैं? आप किधर रहते हैं? मैं रहता था गुजरा वाले में, विदेशपुर गुजरा वाले में। अच्छा, तो यहाँ मैं उसके साथ आया था, वो मुझे साथ लेके आया था। तो आपका कोई अपना होगा, कोई घर वाला या किसी बंदे को बुला नंबर दें या कॉल करें या बुलाएं? भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं घर के आए नहीं, कितने साल हो गए यार। अच्छा, आप कोई नशा वगैरह करते हैं? नशा करता हूँ भाई। कौन सा नशा करते हैं? इरवन पीता हूँ मैं। इरवन पीते हैं? अच्छा, इरवन पीते हैं आप? सेहत माशाल्लाह ठीक ठाक हो? अब मजदूरी करो, दिहाड़ लगाओ, वहाँ धंधा करो, मिस्त्रियों के साथ मेहनत करो अपनी। ये काम गंदा काम है, देखा है ना इसका नतीजा क्या हुआ है? आपके सामने आपको पकड़ के बांध, कितने लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको शर्म आ रही है। अब पुलिस के हवाले करेंगे, ज्यादा मसला बनेगा, ज्यादा मसला। मैंने उन्हें तो मारेंगे भी, कि पुलिस के हवाले नहीं करना, कह रहे हैं एक शर्त पे नहीं करेंगे। अगर ये बंदा प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट कभी भी ये बंदा ये काम नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा कभी, बस आज के बाद आपने चोरी नहीं करनी, और इस गांव में भी नहीं आना है आपने, और इस एरिया में कभी कहीं भी आप इनको नजर आए फिर पकड़ लेंगे। इस बंदे से हमने पूछा है, कह रहा है जी मैंने तो नहीं चोरी की, दूसरे बंदे ने चोरी की और मुझे दे दी। तो नशा करता है ये बंदा, इरवन का नशा करता है। देखें हमारे माशरे में चोरियाँ कितनी आम हो गई हैं और ये नशा कितना मतलब कि आम हो गया है। जितने भी जवान लोग हैं बहुत ज़्यादा लोग नशा कर रहे हैं, उसकी वजह से चोरियाँ कर रहे हैं। आप लोगों को भी इससे आगाह किया जाता है कि ख्याल करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं चोरियाँ चकारियाँ और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ आम हो चुकी है। देखा कि हमने इस बंदे से भी पूछा, ये कोई इरवन का नशा करता है कह रहे हैं, तो इस वजह से इसको पकड़ा गया है। तो आपके लिए भी ये है कि अपने घरों का ख्याल रखें, अपने गेट वगैरह बंद रखें और ख़ास करके अपने बच्चों को बाहर न जाने दें। ब्लॉग का करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।